फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एनिमल। माय नेम इज शिवम सारा सर और मैं आपको आज बताऊंगा कंपास सर्वे के बारे में। हाउ टू परफॉर्म अ कंपास सर्वे, व्हाट इज कंपास एंड द पार्ट्स ऑफ कंपास सर्वे। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो टाइप के कंपास होते हैं, कंपास सर्वे में यूज़ होते हैं। पहला होता है प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है हमारा सर्वेयर कंपास। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है और दिस वन इज़ द सर्वेयर कंपास। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपास में, इसको बोलते हैं बॉक्स। जैसे आपका आउटर मेटल दिख रहा है, ये आउटर बॉक्स, ये होता है हमारा बॉक्स। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है बॉक्स एंड द सेकेंड वन इज़ निडल। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी निडल होती है इसकी कंपास सर्वे की। और इसमें और ये होता है सर्वे कंपास। सर्वे कंपास में अगर देखोगे तो उसकी निडल पिन पॉइंट है और इसकी ब्रॉड निडल है। और इसमें जो निडल होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, वो ज्वाइन होती है हमारी ग्रेजुएटेड रिंग से। बट इन द अदर वन सर्वे कंपास, द निडल इज़ फ्री फ्रॉम ग्रेजुएटेड सर्कल। अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो हमें दिखेगा कि इसमें जो रीडिंग्स होती हैं प्रिज्मेटिक कंपास में, ज़ीरो से लेके 90 से 180 से 270 होती है। फिर यहाँ पे दोबारा 360 हो जाती है। अब सेकेंड हम पार्ट बात करें तो इसमें ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट वेन। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये ऑब्जेक्ट वेन होता है। इसके थ्रू हम रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करते हैं थ्रेड की। इसको हॉर्स ईयर बोलते हैं। दिस वन इज़ द हॉर्स ईयर एंड दिस वन इज़ द ग्लास। ग्लास इज़ यूज फॉर द रीडिंग ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल। एंड दिस वन इज़ द आई वैन। इसमें आई वैन में क्या होता है, यहाँ से हम अपने आई की हेल्प से देखते हैं, इसकी हेल्प से हम देखते हैं इस थ्रेड को, और इस थ्रेड के पीछे हमारी रेंजिंग रॉड होती है, उसको बाइसेक्ट करते हैं। और इसको प्रिज्म बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, प्रिज्म। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रिज्म होता है हमारा, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म के आगे सन ग्लासेस दिए हुए हैं उन्होंने। रीडिंग और सन में अगर रीडिंग अच्छे से नोट न करी जाए, ज़्यादा धूप होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें होता है हमारा, ये हमारा होता है यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, इसको प्रिज्म को एडजस्ट करने के लिए ये सेटलमेंट दे रखी है यहाँ पे। ये एडजस्ट करने के लिए होती है, अगर हमारी रीडिंग प्रॉपर रीड हो, फोकसिंग के लिए यूज़ होती है, प्रिज्म के फोकसिंग के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ, ये मार्क देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको, तो देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लिफ्टिंग पिन बोलते हैं। ये क्या करती है, हमारी ग्रेजुएटेड रिंग को लिफ्ट कर देती है। अगर आप देख रहा हो, आपको अच्छे से देखिए आप ध्यान से, ये देखो लिफ्ट हो जाता है, इससे लिफ्ट हो गई, डाउन होगी। और इस साइड हम देखेंगे, इस साइड एक पिन होती है, इस साइड आई वैन के नीचे एक पिन है, जो क्या करती है, हमारे जब हमारा ये ग्रेजुएटेड सर्कल मूव कर रहा होता है, हिल रहा होता है ज़्यादा, तो उसको रोकने का काम करती है। अब आप देख रहे हैं एकदम रुक चुका है हमारा सर्कल रीडिंग, ताकि हम प्रॉपरली रीड कर सकें उसको। और जैसे मैं छोड़ा, वो मूव हिलने लगा, तो ये होती है हमारी पिन, ब्रेक पिन। प्रिज्म हो गया, प्रिज्म के नीचे मैं कैप भी दी हुई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैप है, ये दिस वन इज़ द कैप। तो प्रिज्म के ऊपर कैप होती है, ये प्रिज्म होता है पूरा। ये हमारे सन ग्लासेस होते हैं। ऑब्जेक्ट वैन होता है, दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट वैन, दिस वन इज़ द ग्लास ग्रेजुएटेड रिंग। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारा सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रिज्मेटिक कंपास के कंपेयर में, कि सर्वेयर कंपास में हमें आई वैन में प्रिज्म नहीं दिया होता, ये दिया होता है, ये पूरा दिया होता है कि हम यहाँ से इसकी हेल्प से देखते हैं थ्रेड को, और थ्रेड के पीछे रेंजिंग रॉड को बाइसेक्ट करते हैं। बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया, निडल में डिफरेंस होता है, निडल हमारी उससे मैच नहीं खाती, उससे मिली हुई नहीं होती है ग्रेजुएटेड रिंग से। और इसमें लेवल दे रखे होते हैं, देखो आप ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो तो, अब आपको दिख रहा होगा, देखियो ये, देखिए ये निडल है हमारी, इसमें रीडिंग्स हमारी 0 to 90 होती है। और इसमें क्वाड्रेंट बेयरिंग का यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी रीडिंग आई, साउथ के रिस्पेक्ट में कितनी रीडिंग आई, साउथ और वेस्ट, ऐसे हम रीडिंग लेते हैं 0 to 90 के बीच में। और ये जो आपके निडल रेड मार्क दिख रहा है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लेवलिंग के लिए दे रखे हैं लेवल, इसका बबल्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बबल, जो कि सेंटर में होनी चाहिए जब हम इसकी लेवलिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, और ये हमारे दोनों टाइप के कंपास थे। अब इनकी शुरुआत, मैं बात बताऊँगा आपको कि इसमें सर्वे कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास।
तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे कंपास सर्वे में यूज़ होते हैं। कंपास जो हम चाहे यूज़ करना चाहें, चाहे वो प्रिज्मेटिक कंपास हो या फिर वो एक सर्वेयर कंपास हो, एज योर विश। या तो आप दोनों यूज़ करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं, बट एक टाइम में हम एक ही यूज़ करेंगे। और दूसरा होगा हमारा ये वुडन पैग यूज़ होता है स्टेशन को मार्क करने के लिए। और ये हमारा इसका ट्राईपॉड स्टैंड होता है जहाँ पे आप इस पर फिक्स कर देते हैं कंपास को। इसके बैक साइड आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ घुमा के इसमें फिक्स कर देते हैं स्टेशन पे, ठीक है। ये दोनों में प्रोवाइडेड होता है हमारे कंपास में, ताकि हम इसको स्टैंड पे फिक्स करें और इसका लेवल कर सकें, लेवल और स्टेशन पे अच्छे से मार्क कर सकें। टेप यूज़ होगा फॉर द रेंजिंग रॉड के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और ये प्लम्बर होगा जो हमारा सेंटरिंग में हेल्प करेगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट 15 मिनट्स होता है और इसका डाया होता है 115 से लेके 180 mm तक। इसका डाया 150 mm है, इसका पूरे जो डाया है 150 mm का डाया है। और इसका जो सर्वेयर कंपास का डाया होता है ये 130 डाया होता है, 130 होता है mm, 130 mm होता है इसका। और ये दोनों बेसिकली हमारा कंपास सर्वे डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमारा चेन सर्वे यूज़ नहीं हो सकता और जहाँ पे फील्ड हमारी अनइवन, बहुत ज़्यादा अनइवन होती है वहाँ पर। और हमें अब कंपास सर्वे फील्ड में करना है तो उससे पहले हमें उसकी टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट या फिर परमानेंट एडजस्टमेंट करनी होगी। दोनों होती है, दोनों पर एक परमानेंट होती है, परमानेंट टाइम के लिए होती है, एक होती है टेम्प्रेरी टाइम के लिए। तो हम टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट करते हैं फील्ड पे जब सर्वे करते हैं। टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट के अंदर हमारी सबसे पहले होती है सेंटरिंग, उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है लेवलिंग, एंड थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रिज्म फोकसिंग। फोकसिंग द प्रिज्म, सपोज दिस इज आवर फील्ड ऑन ग्राउंड ऑन विच वी हैव टू स्टार्ट द कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी फील्ड को क्लोज ट्रैवर्स में या ओपन ट्रैवर्स में डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हम स्टेशन मार्क कर देंगे, रेंजिंग रॉड लगा देंगे, इसे स्टेशन ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने स्टेशन मार्क कर लिए पूरे फील्ड पे। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम पहले स्टेप के लिए यहाँ पे अपना ए स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स करेंगे, अपना कंपास फिक्स करेंगे और यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाएंगे स्टेशन बी पे, रेंजिंग रॉड फिक्स करेंगे यहाँ पे और सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग में हमें क्या करना होता है, स्टेशन को एग्जैक्टली हमें इसके ऊपर होना चाहिए, हमारा स्टेशन जो हमने स्टेशन मार्क करा है वही पॉइंट हमारा उसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ प्लम्बर की हेल्प से स्टेशन के एग्जैक्ट ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे और उसके बाद हम लेवलिंग करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के लेग सारे प्रॉपरली फिक्स होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट हमारा प्रॉपर लेवल होना चाहिए और जो हमारी उसकी रिंग है ग्रेजुएटेड रिंग मूव नहीं होनी चाहिए। और थर्ड होता है हमारा फोकसिंग। फोकसिंग करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है उसको हम फोकस करते हैं कि हमारी रीडिंग पूरा ले पा रहे नहीं ले पा रहा। और उसके बाद होता है हमारा कि उसे हम रेंजिंग रॉड को साइट करते हैं विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड से रेंजिंग रॉड को साइट करते हैं। रेंजिंग रॉड हमारी दिख रही है, उससे प्रिज्म से रीडिंग्स दिख रही है, प्रिज्म प्रॉपर फोकस हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपास सर्वे। हम फील्ड पे आ चुके हैं, हमारे पास रीडिंग्स भी होनी चाहिए। तो रीडिंग्स के लिए हम पहले एक टेबल बना लेंगे जिसमें पहला स्टेशन होगा, लाइन होगी, ओवर बियरिंग, बैक बियरिंग एंड द एंगल। और स्टेशन में हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी हमने फील्ड में स्टेशन मार्क करे हैं वो सारे हम नोट कर लेंगे उसमें टेबल में, ए बी सी डी स्टेशन मार्क कर लेंगे। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट अप, हमारा स्टेशन पहले ए पे है तो ए से स्टार्ट करेंगे हम। लाइन ए बी की रीडिंग देगा हमें, पहले किसकी रीडिंग देगा, लाइन ए बी की। जब हम ए से बी को बाइसेक्ट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म हम रीडिंग लेंगे तो कुछ वो रीडिंग प्रिज्म है, यानी सर वो प्रिज्मेटिक कंपास से ही, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, रीडिंग पूरे जीरो से लेके 360 के बीच में कुछ भी आ सकती है, क्योंकि इसमें हम होल सर्कल बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो जो भी रीडिंग आएगी वो हमारी
ओवर बियरिंग में नोट करेगी, क्योंकि हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारी रेटिंग किस में आएगी, वो कि ओवर बियरिंग में आएगी, समथिंग जो भी है 62 डिग्री या फिर समथिंग, ठीक है 62 डिग्री आई। और फिर उसको हम आगे बैक बियरिंग उसके हम बाद में लेंगे, जब हम जिनसे ए को देखेंगे तब उसकी बैक बियरिंग आएगी, और एंगल उसका बाद में फॉर्मुलेशन निकालेंगे। फिर उसका हम सेम सेटअप करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हम लगाएंगे, बी पे फिक्स करेंगे, फिर बी से हम जब सी को देखेंगे तो हमारी वो फोर बियरिंग होगी, और जब हम उस बी से ए को देखेंगे वापस तो हमारी उसकी बैक बियरिंग आ जाएगी। तो वही हम दोनों रीडिंग नोट्स कर लेंगे एक बार, हम मतलब आगे की तरफ रेंजिंग और लाके बाइसेक्ट करेंगे, आपको समझ आ रहा हो तो, आगे की तरफ रेंजिंग और लाके बाइसेक्ट करेंगे प्रिज्म से, और फिर उसका उल्टा प्रिज्म को पीछे की तरफ मूव करके पीछे की जब यहाँ पे रेंजिंग और लगाएंगे फिर यहाँ पे हम उसको बाइसेक्ट करेंगे। दो रीडिंग हमारे पास आएगी, जब हम फॉरवर्ड देख रहे हैं तो फोर बियरिंग में आएगा हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, यहाँ पे आई 82 डिग्री समथिंग, और जो हम बैकवर्ड देख रहे हैं बी से सी को, बी से ए को, तो हमारी बैक बियरिंग में आएगी, हमारी बैक बियरिंग में आ जाएगी, क्योंकि हमने बी से ए को देखा तो हमारी बैक बियरिंग हो जाएगी हमारी वो 60 मान लो कुछ ऐसे समथिंग। तो ऐसे करके हम पूरी सबकी लेंगे, ऐसे हम अब इंस्ट्रूमेंट को हम सी पे फिक्स कर देंगे, सी पे हमने इंस्ट्रूमेंट फिक्स करा अपना, कंपास फिक्स करा, सी से हमने डी को देखा, बाइसेक्ट करा रेंजिंग और जो हमने लगा रखी है, तो हमारी सी डी की फोर बियरिंग हो जाएगी, और अगर उसी को हम पीछे देखेंगे तो हमारी उस बी सी की बैक बियरिंग हो जाएगी। तो ऐसे हम पूरा टेबल फिल कर लेंगे, इसमें और सारी हमारे रीडिंग्स मिल जाएगी। अब सपोज आपने सारी रीडिंग्स लिख ली है, नोट कर ली है सबकी, फोर बियरिंग बैक बियरिंग सेशन ए पे, सेशन बी पे, सेशन सी डी ई और एफ जी पे, और आपने उनके लाइंस भी लिख ली है। अब हमें निकालना है एंगल ए, क्योंकि ये पूरा ए के स्टेट में जा रहा है सारा, तो यहाँ पे हमारा एंगल ए कैसे निकालेंगे वो हमें बताना होगा। तो एंगल ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखो एंगल ए निकालने का फॉर्मूला हमारा होगा, एंगल ए बैक बियरिंग ऑफ जी ए लाइन माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे बी में है बैक बियरिंग, इस जी ए की जो बैक बियरिंग आएगी ये वाला, उसमें से हम क्या कर देंगे, जो जी ए की जो बैक बियरिंग है, ये बैक बियरिंग हमारी जी ए की, उसमें से हम माइनस कर देंगे फोर बियरिंग ऑफ ए बी। तो ऐसे हम सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमें एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों हम एंगल बी निकालना है, अगर हमें एंगल बी निकालना है तो एंगल बी के लिए हम क्या करेंगे, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, उसका लास्ट ए बी था, माइनस बैक फोर बियरिंग ऑफ बी सी। इट मीन्स हम लिख देंगे यहाँ पे 60 माइनस 82, ठीक है, पर ये हमने रीडिंग्स एज्यूम करी थी, थोड़ा यहाँ पे हो रहा है प्लस माइनस का, अगर हम प्रॉपर रीडिंग लेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, मतलब लास्ट वाली की बैक बियरिंग में से उस स्टेशन की फोर बियरिंग माइनस करते चलेंगे तो हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा। मैं आपके यहाँ पे शो कर देता हूँ, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका हमें एंगल आ जाएगा यहाँ पे, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इसका एंगल आ जाएगा, ऐसे करते चलना है हमें, डायगनली माइनस करते चलेंगे, लास्ट वाली की बैक बियरिंग में से हम उस सेशन की फोर बियरिंग माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कंपास सर्वे कितने टाइप्स के होते हैं, पार्ट ऑफ कंपास सर्वे टाइप्स ऑफ, दो टाइप के कंपास सर्वे कंपास होते हैं, सर्वे कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, उनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस पार्ट्स क्या क्या होते हैं उनके, एक में प्रिज्म लगा होता है, एक में प्रिज्म नहीं लगा होता, एक निडल रिंग से अटैच होती है, एक निडल रिंग से अटैच नहीं होती है, उनकी रीडिंग्स 0 to 90 होती है और 0 to 360 होती है प्रिज्मेटिक की, एक में होल सर्कल बेयरिंग का यूज़ करते हैं, एक में क्वाड्रेटिक बेयरिंग का यूज़ करते हैं, और उसके इंस्ट्रूमेंट यूज इन द कंपास सर्वे, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हमारे कंपास सर्वे में, जैसे कि हमारा कंपास हुआ, ट्राइपॉड स्टैंड हुआ, टेप हुआ, रेंजिंग रॉड हुई, प्लम्बर हुआ, ये सब, और उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कंपास कौन सी होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, हमने एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट करी थी जिसमें सेंटरिंग, लेवलिंग एंड द फोकसिंग, सेंटरिंग में हम उसको स्टेशन को, एकदम जो हमने स्टेशन फिक्स करा होता है फील्ड में उसके एग्जैक्ट ऊपर हम कंपास को फिक्स करते हैं,
लेवलिंग में उसको हम लेवल चेक करते हैं कि उसकी रिंग वगैरह जो ग्रेजुएटर रिंग है रीडिंग्स हिल ना रही हो, जिससे हम रीडिंग लेने में आगे परेशानी ना हो। और उसके बाद थर्ड हमने करा था फोकसिंग द प्रिज्म, प्रिज्म को फोकस करते हैं कि उसको रेंजिंग आउट पूरा अच्छे से बाइसेक्ट कर रही हो, देख रही हो, अच्छे से दिख रही हो। और उसके बाद हमने करा हाउ टू टेक अ रीडिंग, उसमें रीडिंग हम कैसे लेते हैं। कंपास में प्रिज्मेटिक कंपास होता है तो 360 पूरा होल सर्कल बेयरिंग रीडिंग होती है, तो पूरा जो भी थ्रेड के हॉर्स हेयर के एकदम स्ट्रेट में जो रीडिंग आती है, जो हमें सामने वाले ग्लास में शो होती है, उसको हम रीड कर लेते हैं, वो हमारी रीडिंग होती है। अगर हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो वही रीडिंग हमारी फोर बेयरिंग में नोट होगी। अगर वही हमने बैकवर्ड घुमा के देखा है, बैक साइड वाली रेंज आउट को देख रहे हैं, तो वही हमारी बैक बेयरिंग में होगी। और प्रिज्मेटिक में विद हेल्प ऑफ प्रिज्म हम करते हैं रीडिंग टेक लेते हैं, और सर्वेयर कंपास में हम ऊपर से हमें देखते हैं, उसमें कोई प्रिज्म वगैरह नहीं होता सर्वेयर कंपास में, तो ऊपर से हम देखते हैं कि कौन सा एकदम थ्रेड के सामने आ रही रीडिंग, उसको हम रीड करते हैं। और हाउ टू फाइंड द एंगल, हाउ टू फाइंड द एंगल हम कैसे निकालते हैं, जब हमने लाइन स्टेशन मार्क कर लिया, लाइन ले ली, ए बी, फोर बेयरिंग ले ली, बैक बेयरिंग ले ली, उसके हमने एंगल निकाला। एंगल तो मेन है हमारा, फुल फील्ड का एंगल कितना है, उसका जो पॉइंट का एंगल कितना बना, तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमें बी का एंगल निकालना है, एंगल बी हमारा कितना है, तो हम उसमें ए पे जो बैक बेयरिंग थी, बैक बेयरिंग ऑफ ए माइनस फोर बेयरिंग ऑफ बी कर देंगे, तो हमारा एंगल बी निकल आएगा। ये सब हमारा पूरा प्रोसेस था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको लाइक करिए इस वीडियो को, डिसलाइक करिए, आपको नहीं पसंद आई तो, पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।